मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबके सहयोग के कारण कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के कारण अब प्रदेश में कोरोना महामारी धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। पॉजिटिव केस की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब हम 4 अंकों में आ गए और संक्रमितों की संख्या की दृष्टि से अब बड़े राज्य जो 15-16 है उसमें हम 15वें नंबर पे हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है, जो 25% तक पहले पहुंच गया था वो अब 14% के नीचे आ गया है। अभी लंबा सफर हमें तय करना है। जरा भी असावधान हम रहे तो ये महामारी फिर से हमको ग्रस्त लेगी। ये वायरस अपने आप कम फैलता है, ये हमारे व्यवहार के कारण ज्यादा फैलता है। हमने शादी विवाह कर ली, भीड़ भाड़ में चले गए तो ये वायरस फिर हमें जकड़ लेगा। इसलिए जब तक कोरोना कर्फ्यू है, कोई घरों से बाहर ना निकले। मई के महीने में शादी विवाह का कोई सवाल ही नहीं है, जून में देखा जाएगा। कोई कार्यक्रम नहीं, कोई आयोजन नहीं, कई गांवों में फैला है, किल कोरोना अभियान चल रहा है, जिसमें घर घर हमारे जो सरकारी अमला काम कर रहा है, हमारा बड़ी मेहनत से आपके घर दस्तक दे रहा है। उनके साथ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी निकल रहे हैं और वो यही अपील कर रहे हैं कि सर्दी जुकाम बुखार है तो बताइए। मेरे बहनों और भाइयों, सर्दी जुकाम बुखार हो, दस्त हो, खांसी हो, बिल्कुल मत छुपाना, तत्काल बता देना, उपचार संभव है। और अब तो हम निशुल्क उपचार कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपचार, कोविड के लिए अनुबंधित अस्पतालों में निशुल्क उपचार। और अब हमने फैसला किया है 2 करोड़ 40 लाख आयुष्मान कार्ड है हमारे प्रदेश में। ये गरीब निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन, इनका प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज निशुल्क होगा। प्राइवेट अस्पतालों से अनुबंध का काम तेजी से चल रहा है, हमने पैकेज दिया है, पैसा सरकार देगी। और जिसका आयुष्मान कार्ड बना नहीं वो परेशान मत होना, परिवार में एक के पास भी आयुष्मान कार्ड है तो बाकी सब सदस्यों का बना दिया जाएगा, कोई जायज छूट गया है तो बना दिया जाएगा। छुपाना नहीं है, बताना है, ताकि समय पर उपचार किया जा सके। पॉजिटिविटी रेट मैंने बताया घट रही है, और जहां जहां ये पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड ये कहते हैं महामारी पर हमने नियंत्रण पा लिया है। जिन जिलों में 17 तारीख तक पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ जाएगा, उन जिलों में हम कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे हटाना शुरू कर देंगे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से, एकदम सब नहीं खोलेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा रहेगा वहां कोरोना कर्फ्यू हटाना और धीरे धीरे खोलना भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए कृपया करके कोरोना कर्फ्यू का पूरा पूरा पालन कीजिए। ब्लैक फंगस नाम की बीमारी की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज संभव है। देर नहीं करनी चाहिए, समय पर पता चलना चाहिए।
और ब्लैक फंगस का इलाज भी हम निशुल्क करवाएंगे। आखिर पूरा मध्य प्रदेश अपना एक परिवार है। इसलिए प्रिय बहनों और भाइयों, संक्रमण की चैन तोड़े रहना है, कड़ाई से पालन करना है कोरोना कर्फ्यू का, किल कोरोना अभियान सफल बनाना है, सर्दी जुकाम बुखार तो तुरंत बताएं ताकि उनका इलाज शुरू हो जाए, निशुल्क हम दवाई का किट दे रहे हैं, होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, घर पर जगह नहीं तो कोविड केयर सेंटर कितने बने हुए हैं अपने, अब उनमें पर्याप्त जगह है, कोई चिंता नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर की कोई कमी नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिलकर सहयोग करने की जरूरत है। मैं, आप, शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, मेरे साथी, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और शहर में वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी नियंत्रण के काम में आपसे मिलकर लगी हुई है। शहर में भी अगर दिक्कत हो तो कोविड सहायता केंद्र पे सर्दी जुकाम बुखार खांसी है तत्काल पहुंच जाइए, इलाज शुरू करेंगे तत्काल। कोरोना की जड़ों पे अंतिम प्रहार करने का मौका है और इसलिए चूक ना हो जाए, भूल ना हो जाए, और नहीं तो उसका परिणाम बुरा भुगतना पड़ता है। आइए हम सब मिलके कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, गाइडलाइन का पालन करें, अपने गांव में कहीं कोरोना है वहीं रोक दो, बाहर मत निकलने दो, कंटेन कर दो उतने घर को, कोई संक्रमित है तो क्वारंटाइन सेंटर में, कोविड केयर सेंटर में ले जाए, गांव को कोरोना मुक्त गांव बनाना है, और दो चार घर में कहीं है तो वहां से बाहर नहीं निकलने देना है, खत्म करना है नहीं। गांव कोरोना मुक्त होगा, ब्लॉक कोरोना मुक्त होगा, जिला कोरोना मुक्त होगा, शहर कोरोना मुक्त हो गए, इस अभियान में जुट जाए ताकि हम अपने प्रदेश को, प्रदेशवासियों को, अपने बच्चों को बचा सके और तेजी से सामान्य स्थिति की ओर जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।